जय जगन्नाथ बंधुगण, आज आम जानवा 25 मार्च 2021 गुरुवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय दैनिक राशिफल चंद्र गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्र गोचर गणना आम जीवन बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानवा आज तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हूँ 25 मार्च 2021 गुरुवार फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी दिवा 9 घंटा 47 मिनट गति द्वादशी। आज अश्लेषा नक्षत्र रात्र 10 घंटा 48 मिनट गति मघा नक्षत्र। आज कर्कट चंद्र रात्र 10 घंटा 48 मिनट गति सिंहचंद्र। आज पर्वोत्सव सर्वसम्मत पापनाशिनी एकादशी उपवास एवं लक्ष्मी नारायण व्रत। आज शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 54 मिनिट रु 7 घंटा 31 मिनिट दिवा 10 घंटा 47 मिनिट रु 1 घंटा 13 मिनिट पर्यंत। आज राहु काल दिवा 1 घंटा 32 मिनिट रु 3 घंटा 3 मिनिट पर्यंत। आज सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 53 मिनिट। आज सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 6 मिनिट। आज घात चंद्र नास्ति एवं तुला और कुंभ राशि घात बार। आज पोई और मसूर खाइबा निषिद्ध। आज नवजात शिशुर कर्कट राशि रात्र 10 घंटा 48 मिनिट गति सिंह राशि। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आज द्वादश राशि राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आसचंती तले थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिवा घंटी बटन को दबे ऑल रे सिलेक्ट करंतु। काहे कि ना आमे अपलोड करी थिवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक राशि स्थान रु चंद्रदेव चतुर्थ भावरे गोचर भ्रमण करूछंती अतः दिनटी सावधानता सहित चलिबाकु पड़िब। कोनोसी प्रकार दूरगामी यात्रारु आपणंकु दूरै रहिबा उचित। भूमि ओ भवन संबंधित जे कोनोसी कार्य बुझि विचारि करंतु अन्यथा आपणंक क्षतिर संभावना रहिछि। पारिवारिक जीवनरे मातांक सहित किछि वैचारिक मतभेदर संभावना रहिछि सेथिपई निज बाणी ओ क्रोधरे नियंत्रण बजाय रखंतु। आर्थिक स्थिति सामान्य दुर्बल रहिब। कार्यक्षेत्रे किछि समस्या आपणंक आर्थिक संतुलन को खराब करि पारे किंतु जीवनसाथीक सहित संबंधरे मधुरता आसिब ओ जीवनसाथीक सहयोग प्राप्ति हेब। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्रे लाभर स्थिति सामान्य रहिब। असुरक्षित निवेश तथा शेयर मार्केट आदि निवेशरु आपणंकु दूरे रहिबा उचित। मानसिक चिंता आपणंक स्वास्थ्यावस्था को प्रभावित करिब। आज आपण विष्णु सहस्रनाम पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय। आपणंक पराक्रम भावरे चंद्रदेवंक गोचर आपणंक भाई भौनीक पक्षरु उत्तम सहयोग प्रदान करिब एवं पैतृक व्यवसाय रे मध्य विशेष सहयोग प्राप्ति हेब। निज दायित्व गुड़ी को आपण सठिक भावरे निर्वाहन करिबारे सक्षम हेबे। राजनैतिक ओ सामाजिक वर्चस्वरे वृद्धि घटिब एवं आपण समाज ओ परिवार रे एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिबे। पूर्वरु थिबा कोनोसी मनस्कामना पूर्ण हेबार संभावना रहिछि। गृहर सदस्यक सहित गृहरे कोनोसी धार्मिक कार्यक्रम रूपरेखा प्रस्तुत करिबे एवं वाणिज्य व्यवसाय रे उत्तम लाभ प्राप्ति हेब। कर्मक्षेत्र रे उत्तम सफलता अर्जन करिबे एवं आकस्मिक धनलाभर मध्य जोग रहिछि। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रहिब। आज आपण माता लक्ष्मीक उपासना करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय। आपणंक राशि स्थानरु द्वितीय भावरे चंद्रदेवंक गोचर कारणरु आपण निज वाणी द्वारा समस्तंक प्रियभाजन हेबे। विशेष करी कला संगीत बा रंगमंच क्षेत्ररे जड़ित व्यक्ति विशेष उपकृत हेबे। सामाजिक मान सम्मान वृद्धि पाइब एवं गृह परिवार सदस्यंक मध्यरे उत्तम सामंजस्य
ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସମାଧାନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ନତିର କିଛି ଉତ୍ତମ ଅବସର ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଆକର୍ଷଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ସୌମ୍ୟତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ହାନି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ କନଫ୍ୟୁଜନର ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବିଷାଣୁ ଜନିତ ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଏବଂ ମନରେ ଭ୍ରମର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଉପେକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଗୃହରେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନାର କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରି ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯୁବାବର୍ଗ ବା ବେରୋଜଗାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ନିଜ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ
मिश्रित परिणाम प्राप्ति हेब एवं आर्थिक स्थिति पूर्वपेक्षा सुदृढ़ हेबाकु लागिब। अधिक कार्यव्यस्तता कारणरु शारीरिक थकापण और दुर्बलता अनुभव करिबे। आज आपण भगवान श्री जगन्नाथंक उपासना करंतु शुभफल पाइबे। आसंतु जानिबा बिछा राशि विषय रे आपणंक भाग्य भावरे चंद्रदेवंक गोचर आपणंकु आज मिश्रित परिणाम प्रदान करिब एवं भाग्य आपणंक सपक्षरे रहिछि। कार्यक्षेत्र रे नूतन योजनार क्रियान्वित करि सफलता अर्जन करिबे। पारिवारिक जीवन रे परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब एवं पितामातांक आशीर्वाद ओ मार्गदर्शन रु आपण उपकृत हेबे। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु शिक्षा क्षेत्र रे उत्तम अवसर मिलिबो, किंतु जीवन साथीक स्वास्थ्य अवस्था को नहीं आपण सामान्य चिंतित रहिबे। जीवन साथी बा प्रेमीक सहित संबंध रे प्रगाढ़ता आसीब। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिछि एवं नूतन आयर स्रोत उत्पन्न हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि, किंतु जीवन साथीक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण भगवान श्री लक्ष्मीनारायणंक उपासना करंतु शुभफल पाइबे। आसंतु जानिबा धनु राशि विषय रे आपणंक राशि स्थानरु चंद्रदेव अष्टम स्थानरे गोचर करिबे एवं केतु मध्य आपणंक लग्न भावरे विराजित अछंति। सेथिपाई आज दिनटी आपणंक पई संघर्षपूर्ण रहिबो। कार्यक्षेत्र रे समस्या देखा दे परे एवं उच्च अधिकारीक सहित जुक्ति तर्क ओ वाद विवादर संभावना रहिछि। आपण सामान्य मानसिक चिंतित रहिबे, सेथिपई कार्यक्षेत्र रे विशेष सावधान रुहंतु। पारिवारिक जीवन रे श्वशुर घर पक्षरु किछि मनोमालिन्यर स्थिति रहिबो एवं जीवन साथीक सहित कोनोसी भूल बुझाबणा कुनी मतभेदर संभावना रहिछि। सेथिपई निज बाणी ओ क्रोधरे नियंत्रण बजाय रखंतु। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिबो एवं आय तुलना रे व्यय भार वृद्धि पाइबो। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहिछि। आज आपण असहाय व्यक्तिंकु साहाय्य करंतु शुभफल पाइबे। आसंतु जानिबा मकर राशि विषय रे आपणंक राशिरु सप्तम भावरे चंद्रदेवंक गोचर आपणंक वैवाहिक दाम्पत्य जीवनकु सुखमय करिब। जीवन साथीक पूर्ण सहयोग प्राप्त करिबे एवं आपणंक कार्यक्षेत्र रे आसुथिबा समस्त समस्यारु आपण मुक्ति पाइबे। शिक्षक अध्यापक बा सरकारी चाकरी क्षेत्र रे प्रयासरत व्यक्तिंकु आज विशेष सफलता प्राप्ति हेब। अतः आज दिनटी आपणंक पई भाग्यवर्धक लाभदायक ओ ज्ञानवर्धक रहिब। पूर्वरु कोनोसी हजि जाइथिबा वस्तु प्राप्ति हेबारु मनरे प्रसन्नतार भाव रहिब। वाणिज्य व्यवसाय रे उत्तम लाभ परिणाम प्राप्त करिबे एवं आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकु लागिब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि, किंतु विषाणु जनित रोगरु विशेष सावधान रुहंतु। आज आपण श्री सूक्त पाठ करंतु शुभफल पाइबे। आसंतु जानिबा कुंभ राशि विषय रे आपणंक राशि स्थानरु चंद्रदेवंक षष्ठ भावरे गोचर कारणरु विरोधी ओ शत्रु माने आपणंक क्षति करिवार प्रयास करिबे। कार्यक्षेत्र रे सहकर्मी माने आपणंक विरुद्ध रे षडयंत्र करि परंति, किंतु आपण निज बुद्धि बल ओ चातुर्य बल रे समस्तंकु परास्त करिवारे सक्षम हेबे। वाणिज्य व्यवसाय रे प्रतिस्पर्धा वृद्धि पाइब, किंतु परिवार सदस्यंक विशेष सहयोग प्राप्ति हेब एवं जीवन साथीक संबंध रे प्रगाढ़ता आसीब। वैवाहिक जीवन रे परस्परर भावना को सम्मान करिबे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे अनावश्यक खर्च रे वृद्धि घटिब, सेथिपई असुरक्षित निवेश आदिरु आपणंकु दूरेइ रहिबा उचित एवं स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण गरीब व्यक्तिंकु साहाय्य करंतु शुभफल पाइबे। आसंतु जानिबा मीन राशि विषय रे आपणंक पंचम भावरे चंद्रदेवंकु गोचर विद्यार्थी छात्र छात्री मानंक पई शुभफल दायक सिद्ध हेब। छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र रे
सकारात्मक परिणाम पाइपारे कार्य क्षेत्र में आपण उत्तम सफलता अर्जन करिवे एवं पूर्वर अटकी रही कार्य पूर्ण होगाकू लगभग चाकरी क्षेत्र में उच्च अधिकारी और सहकर्मी समर्थन मिलिब एवं पदोन्नतिर मध्य जोग रही किंतु संतानों भविष्य और शिक्षा को नहीं आपण सामान्य चिंतित रहिबे विशेषकर साहित्य क्षेत्र जड़ित व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्ति हेबो वाणिज्य व्यवसाय लाभ प्राप्त करिबे एवं आर्थिक स्थिति पूर्वपेक्षा सुदृढ़ होगाकु लगभग स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रही आज आपण वृद्ध व्यक्ति साहय करतु शुभफल पाइबे। तो बंधुगण यह आज द्वादश राशि राशिफल विषय जदि भिडी आपण मानक भल लगी लाइक सेयार और कमेंट कर जनातु एवं यहीपरी नीतिदिन निज राशिफल विषय जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखे घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करूँ। जय जगन्नाथ।